विश्व भूगोल की सीरीज में आज हम लोग पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। जब भी विश्व भूगोल का नाम हमारे मन में आता है तो सबसे पहले अंतरिक्ष क्या है यही समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम भूगोल पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं भूगोल, भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल। मतलब सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो भूगोल का अर्थ ये समझते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन, और पृथ्वी के अध्ययन को ही हम भूगोल मानकर चलते हैं। लेकिन पृथ्वी के अध्ययन के साथ साथ जब हम बात करते हैं एक पृथ्वी कहाँ से आई तो पता चलता है पहले तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का हिस्सा है। अच्छा, सौरमंडल में कौन कौन है, पता चलता है कि सूर्य है, उसके साथ साथ साथी आठ ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुब्ध ग्रह हैं, और सूर्य एक तारा है। तो फिर पता चलता है कि इनका जन्म कैसे हुआ, तो इनके जन्म के लिए फिर हम अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। फिर हमें समझ में आता है कि हमें पूरे ब्रह्मांड को पढ़ना है। फिर ब्रह्मांड के साथ साथ हम बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं, और अंत में यही भूगोल की कहानी होती है। सबसे पहले हम पूरे ब्रह्मांड को जानेंगे, फिर हम सौरमंडल को जानेंगे, फिर हम अपनी पृथ्वी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्रमवार क्रम नदी, पर्वत, पठार, महाद्वीप, महासागर, इन तथ्यों को क्रमवार रूप से पढ़ेंगे। ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के साथ कॉपी कलम लेकर आप बने रहिएगा। यह सीरीज जो है ये एनसीईआरटी के बेस्ड पर, मतलब अगर आपने एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लिया है उसके बाद ये थ्योरी का सेशन है। यह जीएस की ज्योग्राफी की सीरीज है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, माने जीएस में हम विश्व भूगोल को पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन की सीरीज में। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो एक वैकल्पिक विषय के रूप में भी हम भूगोल की सीरीज को पढ़ेंगे आपके साथ। लेकिन सबसे पहले हम भूगोल का एक सामान्य परिचय जो है, जो भूगोल एक सामान्य अभ्यर्थी को जानना चाहिए जीएस जीके के लिए, उस सामान्य अध्ययन की सीरीज में इस भूगोल की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे भूगोल का जो पहला टॉपिक हमारे सामने आएगा ब्रह्मांड और सौरमंडल। मतलब जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, हमें पढ़ना है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। तो अब ये देखकर आपके दिमाग में एक क्या डायग्राम बना है कमेंट करके बताइएगा। मतलब जैसे ही आप ये देखते हैं ये डायग्राम, ये चित्र आपके मन में आ जाता है, हमारा सौरमंडल, हमारी मंदाकिनी और सूर्य, तारा, उपग्रह, ग्रह, मतलब ब्रह्मांड का चित्र आपके मन में आ जाता है। और कितनों के मन में चंद्रयान आया कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताइएगा। चंद्रयान है, अभी सूर्य का अध्ययन करने के लिए भी इसरो पहुंच चुका है। मतलब कहीं ना कहीं अंतरिक्ष का नाम आते ही हमारे अंदर जिज्ञासा भी बढ़ जाती है। इसीलिए भूगोल को हम विज्ञान के अंतर्गत भी पढ़ते हैं और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। माने भूगोल एक ऐसा विषय है जो साइंस का भी सब्जेक्ट है और आर्ट का भी सब्जेक्ट है, सोशल भी है और साइंस भी है। और इसी सोशल और साइंस के मिलकर हम ज्योग्राफी की शुरुआत आपके साथ करते हैं। और अब वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, और जहां जरूरत पड़े आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बायलिंगुअल है ये, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, और जहां जरूरत पड़ेगा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन हाँ, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इसके अंत तक बने रहिएगा। जहां आपको समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते रहिएगा। और चलिए अब कॉपी कलम लेकर शुरू करते हैं। ये तथ्य आपके लिए यहाँ पर आपके सामने आया है, कह रहा है कि ब्रह्मांड समय, स्थान और इसके भीतर निहित सभी पदार्थ और ऊर्जा की समग्रता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो पहले माना जाता है ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में, फिर जाकर हमारे ब्रह्मांड का जन्म होता है, और जो ब्रह्मांड का जन्म होता है वहीं से समय की शुरुआत होती है, और उसके टुकड़े दूर दूर तक फैलते हैं, और फिर वहीं से स्थान और इनके भीतर निहित पदार्थ और ऊर्जा की समग्रता का भी पता चलता है। एक थियरी है जो आगे चल के पढ़ेंगे, बिग बैंग सिद्धांत, माने महाविस्फोटक सिद्धांत। तो महाविस्फोटक सिद्धांत ये बताता है कि पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था जिसमें अत्यंत ताप, अत्यंत दाब था, और उसमें विस्फोट होता है, और उसके बाद उसमें से ऊर्जा व्यय होती है और प्रकाश निकलता है, और प्रकाश के साथ साथ वहीं से समय की शुरुआत होती है। माने प्रकाश, ऊर्जा निकलता है, और उससे जो पदार्थ निहित थे उन पदार्थ भी समग्रता, माने ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो इन सभी की समग्रता, माने सभी को सजो कर बैठा है। माने ब्रह्मांड स्वयं एक ऐसा महासागर है जो अपने अंदर समय, स्थान और इनके अंदर जो पदार्थ है, ऊर्जा की समग्रता आज भी इसके अंदर बनी हुई है। आगे इसमें ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं, आकाशीय पिंड, उप परमाणविक कण और ऊर्जा शामिल है। एक एक शब्दों को तोड़कर हम पढ़ेंगे, लेकिन क्रमवार रूप से हम आगे अध्ययन भी करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं, आकाशीय पिंड, उप परमाणविक कण और ऊर्जा शामिल है। तो ऊर्जा आपको समझ में आ रहा होगा, आकाशीय पिंड माने हमारे अंतरिक्ष में पाए जाने जितने भी हैं समस्त
पिंड, वो आकाशीय पिंड कहलाता है, चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुब्ध ग्रह हो, ठीक है, चाहे तारे हो, सभी को हम आकाशीय पिंड के नाम से जानते हैं और पढ़ेंगे भी। आकाश गंगा क्या है, तारे क्या है, ग्रह उपग्रह, तो उप परमाणविक कण क्या है, ये आप इसका मतलब क्या समझते हैं, इस वीडियो में कमेंट करते चलेगा और जहां जरूरत पड़े आप इसकी थ्योरी भी हमारे साथ लिखते चलेगा। यहां पर एक बात और है, सूर्य चंद्रमा ग्रह तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आकाश में चमकती हैं वे आकाशीय पिंड कहलाती है। अभी इसी आकाशीय पिंड की मैं बात कर रहा था कि आकाशीय पिंड क्या है, माने सूर्य चंद्रमा ग्रह वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आकाश गंगम चमकती है आकाशीय पिंड कहलाती है। अब यहाँ पर रात्रि के समय चमकती है का मतलब क्या है, वो दिन में भी चमकती है, लेकिन अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो रात में हमें दिखाई देते हैं, दिन में सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हमको लगता है क्या दिन में नहीं चमकती है, क्या केवल रात में ही चमकती है, तो यह भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि नहीं, वे दिन में भी चमकते हैं और रात में भी चमकते हैं, किंतु हमें रात में ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, नंगी आंखों से देख पाते हैं सूर्य चंद्रमा ग्रह सभी वस्तुएं जो रात में चमकते हैं, तारे भी चमकते हैं। अब कहेंगे सर रात में सूर्य कहां चमकता है, चमकता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य का मतलब हम यहां पे तारा समझेंगे, क्या समझेंगे, तारा समझेंगे। आप चाहे तो इस पेज की स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, यहां पर आपको आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बिग बैंग सिद्धांत के पहले तो एक डायग्राम यहां पर जो बना हुआ है इसको देखने का प्रयास करेंगे, फिर इसकी थ्योरी की हम व्याख्या करेंगे, बिग बैंग सिद्धांत क्या है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई चीजें आपको सामने आएंगी और फिर मैं सबकी डिस्कस एक एक करके करूंगा। यहाँ पे जो बिग बैंग थ्योरी है वो ये कह रहा है ना, पहले क्या एक बिंदु के रूप में था, फिर यहीं से विस्फोट होता है, फिर धीरे धीरे क्या है खुलता हुआ चला जा रहा है, खुलता हुआ क्या है चला जा रहा है, यही है। अब यहाँ पे देखिए डार्क एज क्या है, देखिए यहाँ पे एक डार्क एज की बात कर रहा है, ठीक है, आफ्टर ग्लो लाइट पैटर्न की बात कर रहा है, रिफ्लेक्शन की बात यहाँ पे कह रहा है, तो एक एक करके हम डे बाई डे बढ़ते चल रहे हैं और यह एक दिखा रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत बढ़ रहा है, ठीक है, बिंदु से क्या हो रहा है बढ़ता चला जा रहा है। अभी थियरी पढ़ने के बाद तब हम इसको वापस आएंगे, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर बिग बैंग सिद्धांत की बात करें, भैया बिग बैंग सिद्धांत जो हुआ था या बिग बैंग थियरी जो है कब आई थी या महाविस्फोट सिद्धांत कब हुआ था, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे 13.7 बिलियन वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा 13.7 अरब वर्ष पहले, कितना यहां पर अगर मैं बात करूं तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व, मतलब 13.77 बिलियन ईयर पहले बिग बैंग थियरी हुआ था, ठीक, इसे महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आइए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर ये महाविस्फोटक सिद्धांत है क्या, उम्मीद करते हैं आप लोग भी इसे पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो बिग बैंग सिद्धांत से मानी जाती है। बहुत सारी थियोरियां हैं, आगे भी थियोरी पढ़ेंगे, लेकिन जो सर्वमान्य थियोरी है उस थियोरी पर हम फोकस करेंगे, जो आज की थ्योरी जो सबसे ज्यादा जिसकी मान्यता है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत द्वारा समझाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द बिग बैंग थ्योरी, माने जो महाविस्फोटक सिद्धांत माने ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो किसके माध्यम से समझाया गया है, वो बिग बैंग के माध्यम से, महाविस्फोट के माध्यम से समझाया गया, किसके माध्यम से, बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से समझाया गया है, ठीक है। आगे कह रहा है जो ये सिद्धांत है जॉर्ज लेमेंत्रे द्वारा दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में आपसे एक सीधा सीधा पूछ लेता है और शायद आप जानते भी होंगे, और मेरा भी आपसे सवाल यह है कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने याद किया है कि बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा, बिग बैंग अंग्रेजी में है और हिंदी में उसे महाविस्फोट कहते हैं, तो ये जानते रहिएगा आप लोग, यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेंत्रे द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, जॉर्ज लेमेंत्रे द्वारा दिया गया। आगे कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की जो शुरुआत एक अल्प कल्पनी छोटे बिंदु से हुई, अभी मैंने शुरुआत में इसके बारे में मैं बात की आपसे और शुरुआत में इसके बारे में चर्चा किया कि जो इसकी शुरुआत थी वो किसके रूप थे, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक अकल्पनीय छोटे बिंदु से हुई, एक छोटे से बिंदु जिसमें माना जाता था अत्यंत ताप और अत्यंत दाब है। आगे हम लोग देखते हैं, शॉर्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, बाकी इसकी थ्योरी को हम और आगे चलेंगे जब वैकल्पिक विषय में पढ़ेंगे भूगोल को, तो और डीप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तो आपके सामने एक और
थियरी आपके सामने आ गई है जिसे हम कहते हैं रोस सीमा या रोस त्रिज्या, आपको दिखाई दे रही होगी रोस लिमिट या रोस रेडियस। यहां पर क्या है ये देखिए, ये रोस लिमिट, ये मून है, यहां पे देख रही है। इस सिद्धांत को भी हम लोग आगे देखेंगे, ये सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत किस प्रकार से हमें इसकी व्याख्या करता है, यहां पर इस थियरी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। रोस सीमा या रोस त्रिज्या, रोस सीमा वह न्यूनतम दूरी है जिस पर कोई खगोलीय वस्तु जैसे कि चंद्रमा या उपग्रह किसी ग्रह या तारे जैसी बड़ी वस्तु द्वारा लगाए गए ज्वारी बलों के तहत गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा टूटे बिना खुद को एक साथ रख सकती है। मतलब एक लाइन में मैं आपको समझाऊं, कभी कभी हम लोग बचपन में छोटे थे तो चुंबक के टुकड़े को तोड़ लेते थे, तोड़ने के बाद बीच में अपने ब्लेड ले जाते थे और ब्लेड को खड़ा कर देते थे, तो जिस बिंदु पर वो ब्लेड खड़ा होता था वही हमारी रोस सीमा या रोस त्रिज्या हो गई। माने जहां पर दोनों गुरुत्वाकर्षण शक्ति बराबर होने के बाद वो जो ब्लेड होता था वो इस तरह से खड़ा हो जाता था, वही कह रहा है रोस सीमा। मतलब यहां पर रोस सीमा या वह न्यूनतम दूरी है जिस पर कोई खगोलीय वस्तु जैसे कि चंद्रमा या उपग्रह कोई भी ऐसे दो आकाशीय पिंड हो किसी ग्रह तारे जैसी बड़ी वस्तु द्वारा लगाए गए ज्वारी बलों के तहत गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा टूटे बिना खुद एक साथ रख सके, माने टूटे बिना और एक साथ सब रख सके, एक साथ सब जुड़े रह सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रोस सीमा या रोस त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये थियरी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ये थियरी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बस थोड़ा सा अगर आपको पता है तो जब भी प्रश्न, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में कूट वाले सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल के साथ कई सवाल आपके जुड़े रहते हैं, कई सवाल उसमें मर्ज रहते हैं, तो उस दशा में आपको किसी प्रकार की कठिनाई और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रकाश वर्ष। तो आप लोग जानते होंगे प्रकाश वर्ष क्या है, एक लाइन में परीक्षा पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो सबसे पहले जान लीजिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो फिर आप क्या आएगा, सर पार्सेक क्या है, तो मेरा आपसे सवाल है कि पार्सेक क्या है। वैसे प्रकाश वर्ष का नाम सुनते लगता है यार ये प्रकाश वर्ष क्या है, तो ये जान लीजिएगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, माने प्रकाश का एक साल में जो तय की गई कुल दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक जूलियन वर्ष मतलब 365.25 दिन, मतलब यू कह सकते हैं कि 365 सही 1/4 दिन, यूं कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे लगभग, ये लगभग में है जूलियन वर्ष, इसे क्या कहते हैं जूलियन ईयर कहते हैं, में तय करता है, में क्या करता है तय करता है, जो 9.4607 × 10^15 मीटर के बराबर। पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर है, पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर, कितना है 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर। तो यहां पर एक लाइन में हम लोग समझ लेते हैं, वैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसको लगाने का तरीका सिंपल है कि प्रकाश की चाल 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, माने प्रकाश एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर जाता है, तो 365 × 24 करेंगे, फिर × 60 करेंगे, मतलब घंटा में होगा, फिर मिनट में, फिर × 60 सेकंड करेंगे, फिर उसे हम 3,00,000 से गुणा कर देंगे, तो जो मल्टीपल आएगा वह एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा। तो पूरी थियरी है, तो यहाँ पे देखे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये लूनर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइट ईयर हो गया, तो उसी के बारे में व्याख्या कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करते यह तथ्य आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम और आगे चलते हैं, हम जानेंगे आकाश गंगा क्या है, पहले थियरी देख लेते हैं फिर हम ऊपर आएंगे तब हमको डायग्राम में समझाएंगे। कह रहा है आकाश गंगा सितारों, तारकी अवशेष, अतारकी बादल, धूल, डार्क दब जिसे आद्र पदार्थ का एक संग्रह है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधा हुआ है। माने आकाश गंगा क्या है, सितारों, तारकी अवशेष, अतारकी बादल, धूल, डार्क वेव्स माने डार्क मैटर एक संग्रह है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधा हुआ है, जो कैसे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक साथ बंधा हुआ है।
उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे जो है गैलेक्सी, अगर हम बात करें यहां पे देखें ये मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, कैलिनस मेजर, ड्वार्फ गैलेक्सी, सिग्रस ए गैलेक्सी, तो ये एग्जांपल है कुछ गैलेक्सियों के। तो यहां पर क्या है, आकाश गंगा, सितारे तारकी है, अवशेष तारकी है, ये सब क्या बधे हुए आपस में, इनको मिलाकर हम आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हमारी आकाश गंगा जिसमें हमारी सौरमंडल है उस आकाश गंगा का नाम क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी जब हम एमसीक्यू की सीरीज कराएंगे तो हम उसकी व्याख्या करते हुए चलेंगे, उसकी क्या करेंगे हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। जब हम इसकी एमसीक्यू सीरीज कराएंगे तो विस्तृत व्याख्या करते चलेंगे, हर प्रश्न को तोड़ तोड़ कर समझाएंगे, तब वहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरह से पूरा क्लियर हो जाएगा। हम बात करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी की, दुग्ध मेखला। तो दुग्ध मेखला का नाम आते ही आपको हमारे सवाल का जवाब मिल गया कि हमारा सौरमंडल एक आकाशगंगा का हिस्सा है, जो हमारा सौरमंडल है वो एक आकाशगंगा का हिस्सा है जिसे दुग्ध मेखला, जिसे क्या कहते हैं दुग्ध मेखला, मिल्की वे इंग्लिश में देखिएगा होगा ना मिल्की वे गैलेक्सी, दुग्ध मेखला आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। दुग्ध मेखला एक विशाल सर्पिल आकाशगंगा, कैसी है सर्पिल आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा दुग्ध मेखला के सबसे निकट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केवल उन तथ्यों की बात कर रहे हैं जहां से आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल आते हैं, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो एंड्रोमेडा है आकाशगंगा ये दुग्ध मेखला के सबसे निकट है। कहाँ है एंड्रोमेडा आकाशगंगा, ये दुग्ध मेखला के सबसे निकट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल फूट वाले सवाल खूब पूछे जाने का ट्रेंड है, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। आकार पूछा जाता है दुग्ध मेखला एक सर्पी आकाशगंगा, ये भी के परीक्षा में पूछा जा चुका है, अगर आपने प्रीवियस पेपर खंगाला होगा तो आपको ये प्रश्न आसानी से मिल गया होगा। कैलिनस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी को 2003 में खोजा गया, यह पृथ्वी की निकटतम ज्ञात बौनी आकाशगंगा है, यह भी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, वैसे इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यह रही हमारी आकाशगंगा जो हमारी मिल्की वे है उसका डायग्राम है, आप चाहें तो इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे तो इसकी एक फोटो क्या अपने पास क्लिक रख लें। हम और आगे चलते हैं आपके साथ, अब हम और आगे चलते हैं तो यहाँ पर अपने ड्राइव ग्राम देख लिया मिल्की वे गैलेक्सी का। अब अगला है आपके सामने आईसी 1101, मिल्की वे गैलेक्सी है, यहाँ पे एक चित्र देख पाएंगे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है और ये क्या है आईसी 1101। तो यहां पर हम देखेंगे आईसी 1101 क्या है, शायद आपके भी मन में आएगा सर ये है क्या आखिर में। तो यहां पर हम देखेंगे आईसी 1101 एक विशाल दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा है, एक विशाल दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा है और यह सबसे बड़ी ज्ञात आकाशगंगाओं में से एक है, माने अगर ज्ञात सबसे बड़ी है लेकिन उस बड़ी की जो सबसे पहली शर्त है वो ये है ज्ञात, ध्यान दीजिएगा आईसी 1101 एक दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा है और यह सबसे बड़ी ज्ञात आकाशगंगाओं में से एक है। यह कन्या नक्षत्र में स्थित है, ये कहाँ है कन्या नक्षत्र में स्थित है। देखिए टेलीग्राम पर आप लोग जुड़े जाइएगा, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा, मेरी क्लासेज आप सभी को निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय मिलती रहेंगी, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए सेशन लेकर आता रहूंगा, इरेगुलर सेशन आपको मिलने वाला है। इसकी खोज 19 जून 1790 को ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने की थी, किसने की थी विलियम हर्शल ने, कब की थी 19 जून 1790 को, ठीक है। अब इसी के साथ हम और आगे चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपका सेशन भी तैयार होता रहेगा। अगला है आकाशगंगा यूजीसी 2885, विशाल का आकाशगंगा यूजीसी 2885 ब्रह्मांड में अब तक देखी गई सबसे बड़ी ज्ञात सर्पीली आकाशगंगाओं में से एक है, तो आप चाहे तो इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, ये सब कूट वाले सवालों में पूछे जाते हैं, प्रश्नों में पूछे जाते हैं। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, स्पाइरल आकाशगंगा M33 M33, माने ये त्रिकोण आकार का नक्षत्र है, मतलब स्पाइरल आकाशगंगा M33 त्रिकोण आकार के नक्षत्र ट्रेनगुलम में स्थित है, कहां स्थित है ट्रेनगुलम में स्थित है।
इसे त्रिकोणीय आकाशगंगा का उपनाम दिया गया है। मनी से त्रिकोणीय आकाशगंगा कहा जाता है, ये स्पाइरल आकाशगंगा है M-33। अब है ट्रिविडम गैलेक्सी, वही यहां पे बता रहे हैं। अब तारे, अब यहां से आपके सामने आएगा एक टॉपिक, तारे क्या, तारों का जीवन चक्र पढ़ेंगे, तारों के बारे में जितना ज्यादा हो सके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, तारों का जीवन चक्र कैसे होता है, जैसे तारे क्या है, फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा क्या है, फिर हम देखेंगे कि 12b क्या है। तो आइए इस सेशन को हम लोग एक बार ये पूरा देख ही लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो तारों को भी इसी सेशन में हम लोग पढ़ लेते हैं। तारों में अगर हम बात करेंगे तो एक बात आपके मन में आएगा कि सर हमने जाना है, पढ़ा है, सूर्य भी तो एक तारा है। आपके मन में आएगा, हाँ सर हमने पढ़ा है, सूर्य भी एक तारा है। माने तारे विशाल आकाशीय पिंड है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। जो ज्यादातर किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, जो अपने अंतर्भाग कोर के अंदर मंथन करने वाले परमाणु फोर्ज से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। माने जो अंतर्भाग कोर के अंदर मंथन करने वाले परमाणु फोर्ज से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इनके पास खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा होती है। माने तारे भी आकाशीय पिंड होते हैं जिनके पास खुद की प्रकाश और खुद का ऊष्मा भी होता है, और ये अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और इसके लिए ये क्या करते हैं, अपने अंतर्भाग कोर के अंदर मंथन करने वाले परमाणु फोर्ज से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। आगे हम देखते हैं, सूर्य एक तारा है ये आप लोग जानते हैं। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमा सेंटारी, जिसे हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। सूर्य के बाद हमारे ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा है। एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कई बार, और आपसे नॉर्मली भी पूछा सकता है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि पृथ्वी के नजदीक सबसे तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा हमारा सूर्य है। लेकिन सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी या प्रॉक्सिमा सेंटारी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ये दोनों बातें क्लियर होना चाहिए। यह पृथ्वी से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है। सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है। तो यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक। यहां पे दिया है सन, जो सन है उसका एंगुलेटर डायमीटर जो है 32 मिनट मतलब 5 डिग्री सेल्सियस है। आगे लोग देखते हैं केपलर 22b, केपलर 22b ये क्या है? सूर्य जैसे तारे केपलर 22 के वास योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करने वाला एक एक्सोप्लैनेट बहिर्ग्रह है। यहां पे देख लीजिए केपलर 22 सिस्टम है, ये हमारा सोलर सिस्टम है, तो देख रहे हैं केपलर भी इस तरह से घूम रहा है। मतलब सूर्य जैसे तारा केपलर 22 के वास योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करने वाला एक एक्सोप्लैनेट बहिर्ग्रह है, एक बाहर का भी ग्रह है, जो आप डायग्राम में यहां पर देख पा रहे। देखिए मार्स है, अर्थ है, वेनुस है, मरकरी, इस तरह से देख रहे हैं। तो इसे केपलर की तरह भी, यहाँ पर हमारा केपलर हो गया, ठीक है, जिसे आप देख रहे हैं ना, ये हमारा यहाँ पे ये क्या है, ये केपलर है, और ये सूर्य जैसा है कोई प्रक्रिया, ये चक्कर लगा रहा है, और वहां पे ये बता रहे हैं हमारा सूर्य है, उसके बाद सबसे पहले मरकरी है, वेनस है, अर्थ है और मार्स है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल है। तो उसी तरह यह बता रहा है एक्सोप्लैनेट बहिर्ग्रह है, ठीक है, केपलर 22b। किसी तारे की जो तेजस्विता होती है, ल्यूमिनोसिटी ऑफ ए स्टार, माने किसी जो तारे की तेजस्विता होती है वो क्या होती है, वो जानने का प्रयास करेंगे। माने जो तारे होते हैं, माने किसी तारे की जो तेजस्विता होती है जो उसकी ल्यूमिनोसिटी होती है, उसकी ऊर्जा क्या है, ऊर्जा। यहां तक की लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो वह प्रति सेकेंड सभी दिशाओं में एक विकिरण करती है, जो वह प्रति सेकेंड सभी दिशाओं में विकिरण करती है, जो क्या करती है, प्रत्येक सेकेंड सभी दिशाओं में विकिरण करती है। एक तारे की तेजस्विता दो तारे की विशेषताओं निर्धारित की जा सकती है, आकार और प्रभावी तापमान। माने एक तारे की
जो तेजस्विता है वो दो तार की विशेषताओं से निर्धारित है, माने दो तरह से हम उसकी विशेषताओं को निर्धारित कर सकते हैं, एक उसका आकार, दूसरी उसकी प्रभावी तापमान, माने उसकी जो तेजस्विता है वो उसके आकार पर निर्भर एक तरह से कह सकते हैं, उसकी जो विशेषताओं में से कम लग सकते हैं तार की विशेषताओं में से, दूसरी जो है प्रभावी तापमान। तो दो पॉइंट यहां पर आपको मिला है किसी तारे की तेजस्विता को लेकर। इस तरह से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक। अब अगर थियरी आप पढ़े रहेंगे तो जब परीक्षा में MCQ आएगा तब इसे सॉल्व करने में, हल करने में आपको बेहद आसानी होने वाली रहेगी। आगे हम बात करते हैं उपदानोचरण। ये तारों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये उपदानोचरण क्या होता है? उपदानो नाम आपके मन में आता ही आपको कि यार सब गेंद फेस क्या होती है, ठीक है। अब यहां पे उपदानो चरण तारे का वह चरण है जब किसी जब इसकी बाहरी परतें फैलती है, माने उपदानो चरण तारे का वह चरण है जब इसकी बाहरी परतें जो है फैलती है, ठंडी होती हैं और कम चमकीली हो जाती है। क्या होती है? कम चमकीली हो जाती है, मतलब इसकी जो बाहरी परतें हैं फैलती हैं, ठंडी होंगी, फैलेंगी तो ठंडी भी हो जाएंगी और कम चमकीली होती है। इस फेज को उपदानो चरण कहते हैं, माने तारे का ये उपदानो चरण। तारे के बाहरी आवरण जो अभी भी ज्यादातर हाइड्रोजन है, तारे का जो बाहरी आवरण है अभी तक जो ज्यादातर हाइड्रोजन है, का विस्तार होना शुरू हो जाता है, का विस्तार होना शुरू हो जाता है। जैसे ही यह फैलता है, जैसे ही यह फैलता है ये ठंडा हो जाता है, जैसे ये फैलता है क्या हो जाता है, ये ठंडा हो जाता है और लाल रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? और लाल रंग का हो जाता है। ये लाल दानव रेड जायंट चरण पहुंच जाता है। ये क्या पहुंच जाता है? रेड जायंट में पहुंच जाता है। सब जायंट हो गया और ये रेड जायंट में पहुंच जाता है। ध्यान दीजिएगा, माने तारे के बाहरी आवरण जो अभी भी ज्यादातर हाइड्रोजन है का विस्तार होना शुरू हो जाता है। जैसे ये फैलता है तो ठंडा हो जाता है, ऊपर हम लोग ये बताया आपको, और लाल रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। तब यह लाल दानो या रेड जायंट चरण में पहुंच जाता है। किसी तारे के जीवन काल के अंत में, किसी तारे के जीवन काल के अंत में उसका कोर एक सफेद बौना व्हाइट ड्वार्फ, एक न्यूट्रॉन तारा या एक ब्लैक होल बन जाता है। मोस्ट IMP है आपके लिए, माने किसी तारे की जीवन काल के अंत में उसका कोर एक सफेद बौना एक न्यूट्रॉन तारा या एक ब्लैक होल बन जाता है। आम बोलचाल की भाषा उसे जान लीजिएगा, एक ब्लैक होल बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लैक होल, जिसे हम कृष्ण वीवर के नाम से जानते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा आता है कृष्ण वीवर क्या है, इसी की बात करता है वास्तव में। तो उम्मीद करते हैं यहां तक का तथ्य आपको समझ में आ रहा होगा। आप साथ में नोट्स बनाते चलिए, साथ में लिखते चलिए, वैसे लर्निंग विद दुर्गेश पर इसकी कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगी जो आपके परीक्षा में काफी मदद करेगी अध्ययन अध्यापन में। अब बात करते हैं संवहन क्षेत्र का। संवहन क्षेत्र क्या है? सतह पर एक तारे के कोर और उसके दृश्यमान प्रकाश मंडल के बीच अशांत प्लाज्मा का क्षेत्र है। माने संवहन क्षेत्र सतह पर एक तारे के कोर और उसके द्रव्यमान प्रकाश मंडल के बीच अशांत प्लाज्मा का क्षेत्र है, जिसके माध्यम से संवहन द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। इसके माध्यम से संवहन द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। यहां पर है संवहन क्षेत्र में गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है। किधर की तरफ बढ़ता है? ऊपर की तरफ बढ़ता है। सतह के निकट आने पर ठंडा हो जाता है और गर्म होने के लिए फिर गिर जाता है और पुनः ऊपर उड़ जाता है। तो यही संवहन क्षेत्र हो गया। आगे जब हम लोग हवा पढ़ाएंगे तो वहां पर इस टॉपिक को और बढ़िया से क्लियर कर देंगे और जीवन में कभी आपको भूलेगा नहीं यह टॉपिक को उस टॉपिक से जोड़कर। संवहन क्षेत्र में गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है, सतह के निकट आने पर ठंडा हो जाता है और गर्म होने के लिए गिर जाता है और फिर पुनः ऊपर उठता है। तो यह संवहन क्षेत्र हो गया। इसको हम लोग पढ़ेंगे साइंस में भी, सीरीज में इसका अध्ययन करेंगे। वास योग्य क्षेत्र, हैबिटेबल जोन की अगर हम बात करें तो वास योग्य क्षेत्र जो है किसी तारे की वह दूरी है, किसी तारे की वह दूरी है जिस पर ग्रहों की परिक्रमा करने वाली सतहों पर पानी मौजूद हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी तारे की वह दूरी जिस पर ग्रहों की परिक्रमा करने वाली
सतहों पर पानी मौजूद हो सकता है। वास योग्य क्षेत्रों को गोल्डी लॉक्स जोन के रूप में भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, माने वास योग्य क्षेत्रों को गोल्डी लॉक्स जोन के रूप में जाना जाता है, जहां जीवन के लिए परिस्थितियां ठीक हो सकती है, न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडी। मतलब वास्तविक का मतलब है ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति होगी जहां पर ये लगेगा कि भैया जीवन यहाँ पे संभव हो सकता है, न बहुत गर्म होगा न बहुत ठंडा होगा। मैंने वास्तविक क्षेत्र को गोल्डी लॉक्स जोन के रूप में भी जानते हैं, जहां जीवन के लिए परिस्थितियां ठीक हो सकती है, न तो बहुत गर्म न बहुत ही ठंडी। यहां तक समझ में आए आपको? नाम से समझ में आ रहा है? अब निहारिका की बात करते हैं, नेबुला। तो अब देखिए निहारिका को पढ़ना जानना काफी महत्वपूर्ण है, ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, ठीक। ओरियन निहारिका, फिर क्या है आपकी ओरियन निहारिका, सुपरनोवा, सुपरनोवा अच्छा, नक्षत्र, फिर नक्षत्र के बाद क्या है सप्तऋषि तारामंडल, चलिए अच्छा ध्रुव तारामंडल, ध्रुवमस्त तारामंडल, ओरियन कैसीओपिया शर्मिष्ठा, कैसीओपिया या शर्मिष्ठा, सौर द्रव्यमान, चलिए सारे पॉइंट हैं, अब एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रचुर तत्व, अच्छा सूर्य, चलिए यहां तक तो कम से कम हम लोग पढ़ ही लेते हैं एक एक करके। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, अगर वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। तो सुपरनोवा हम लोग को पढ़ना था, निहारिका पढ़ना था, सुपरनोवा कहा। पहले तो जान लेते हैं निहारिका है क्या, इसे हम नेबुला कहते हैं। अब नेबुला क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। मतलब यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो एक चीज आपके तथ्य समझ में आना चाहिए कि निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। कुछ निहारिकाओं को तारकी नर्सरी कहा जाता है, तारकी का नर्सरी कहा जाता है। मतलब कई जगह ये माना गया है कि पृथ्वी या ब्रह्मांड के जन्म का कारण यह अंतरिक्ष या सौरमंडल के जन्म का कारण यह है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। पृथ्वी के निकटतम निहारिका को हेलिक्स निहारिका कहा जाता है जो कि कुंभ नक्षत्र में स्थित है। माने जो पृथ्वी के निकटतम निहारिका को हेलिक्स निहारिका कहा जाता है जो कि कुंभ नक्षत्र में स्थित है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, आप चाहे तो नोट्स में लिख लें। कुछ निहारिकाओं को तारकी नर्सरी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है जरा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अंतरिक्ष क्लियर नहीं होगा तो इसकी हम और डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल अभी आप देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा तो हम और डिटेल वीडियो इसकी लेकर आएंगे। हम बढ़ते हैं ओरियन निहारिका। ये ओरियन निहारिका क्या है इसको भी जान लेते हैं। ओरियन निहारिका जिसे मेसियर 42 के नाम से भी जाना जाता है, मेसियर 42 के नाम से जाना जाता है, ये मिल्की वे में स्थित एक प्रसारित निहारिका है, एक प्रसारित निहारिका है जो मिल्की वे में, जिसे मेसियर 42 के नाम से जानते हैं। ये सबसे चमकीली निहारिकाओं में से एक, ये सबसे चमकीली निहारिकाओं में से एक है और रात के आकाश में नग्न आंखों से दिखाई देती है। इसका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 2000 गुना अधिक है, इसका जो द्रव्यमान है सूर्य से लगभग 2000 गुना ज्यादा है और इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह सबसे चमकीली निहारिकाओं में से एक है, इसे हम ओरियन निहारिका के नाम से जानते हैं। इसके नाम से ओरियन निहारिका के नाम से जानते हैं। अब हम और आगे चलते हैं, सुपरनोवा डायग्राम को देख लीजिएगा, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर सुपरनोवा की बात करें तो सुपरनोवा किसी तारे की शक्तिशाली और चमकदार विस्फोट है।
शक्तिशाली चमकदार विस्फोट है। यह तब होता है सुपरनोवा जब तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है या जीवन के अंत तक पहुंच जाता है। मिल्की वे में अंतिम सुपरनोवा प्रत्यक्ष रूप से 1604 में देखा गया है। माने मिल्की वे में अंतिम सुपरनोवा प्रत्यक्ष रूप में देखा गया है। सुपरनोवा को केपलर सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। सुपरनोवा को केपलर सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। अब इसके डायग्राम को देख लीजिएगा, अब आपको थियरी क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्र के बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये पृथ्वी का ऑर्बिट है, ये तारों का एक संग्रह है। ये क्या है? तारों का एक संग्रह है जो आकाश में हमें एक विशेष आकृति या विशेष आकार का दिखाई देता है। और प्रत्येक आकृति का ना खुद का अपना एक नाम है। ये नाम हम आपने दिया है, वैज्ञानिकों ने दिया है, खगोलविदों ने दिया है। तारों का एक समूह जो एक तारामंडल से छोटा स्वरूप बनाता है उसे तारापुंज कहते हैं। यह भी पूछा जाता है कई बार लिखने के लिए, थ्योरी में भी अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है तो भी शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। माने तारों का एक समूह जो एक तारामंडल से छोटा स्वरूप बनाता है यह वह तारापुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? तारापुंज कहलाता है। हम इन तथ्यों को और अच्छे से समझेंगे। अगला है सप्तर्षि तारामंडल। अब जरा सप्तर्षि तारामंडल को कितने लोगों ने सुना है या कितने ऐसे लोग हैं जो सप्तर्षि तारामंडल को जानते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इसे सप्तर्षि तारामंडल ही क्यों कहते हैं? अब ध्यान से देखिएगा, मैं नंबरिंग कर रहा हूं। अब आप बताइए इसे सप्तर्षि तारामंडल क्यों कहते हैं? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। वैसे हम आगे पढ़ते हैं। सप्तर्षि तारामंडल प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे गर्मी के समय रात के शुरुआती भाग में देखा जा सकता है। माने सप्तर्षि तारामंडल बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर हम बात गर्मियों की करें तो जब रात की शुरुआत होती है उस समय हम इसे देख सकते हैं। इसे बिग डीपर, द ग्रेट बियर या सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। इस नक्षत्र में जो नक्षत्र है 7 प्रमुख तारे हैं। कितने प्रमुख तारे हैं? 7 प्रमुख तारे। यह 88 आधुनिक नक्षत्रों में से तीसरा सबसे बड़ा नक्षत्र। माने 88 आधुनिक नक्षत्रों की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा नक्षत्र है। अब एक है अलियोथ। अलियोथ एक सप्तर्षि तारामंडल का ऐसा तारा है जो सबसे चमकीला तारा है। माने सप्तर्षि तारामंडल का सबसे चमकीला जो तारा है वो अलियोथ है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। कौन सा है? अलियोथ। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्रुव मत्स्य तारामंडल। ध्रुव मत्स्य तारामंडल जिसे लंबी पूछ वाला छोटा भालू भी कहा जाता है। इसे लंबी पूछ वाला छोटा भालू कहा जाता है। दूर उत्तरी आकाश में स्थित एक तारामंडल है। इसे हम लघु सप्तर्षि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लघु सप्तर्षि भी कहते हैं। अरसा माइनर नक्षत्र का भारतीय नाम लघु सप्तर्षि है। माने अरसा माइनर नक्षत्र का भारतीय नाम लघु सप्तर्षि है। इसे लंबी पूंछ वाला इसे लंबी पूंछ वाला छोटा भालू भी कहा जाता है। ध्रुव मत्स्य तारामंडल को आप इसे देख सकते हैं। ठीक, ध्रुव मत्स्य तारामंडल अरसा माइनर।
अब ओरियन देख लीजिएगा, ये ओरियन है, दिख रहा है ओरियन, ओरियन द हंटर, ओरियन तारामंडल सदियों के समय देर शाम को देखा जा सकता है। ओरियन तारामंडल जो है वो सदियों के समय, वो कब देखा जाता है, देर शाम में देखा जा सकता है। इसमें सात या आठ चमकीले तारे, इसमें सात या आठ चमकीले तारे हैं। ओरियन को हंटर या काल पुरुष भी कहा जाता है, इसे हंटर या काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ओरियन को हंटर या काल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसमें सात या आठ चमकीले तारे हैं ओरियन तारामंडल। बीच के तीन तारे हंटर बेल्ट को दर्शाते हैं। बीच के जो तीन तारे हैं ये हंटर बेल्ट को दर्शाते हैं, और जो चार चमकीले तारे हैं, जो चार चमकीले तारे हैं ये चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं। रिगेल ओरियन का सबसे चमकीला तारा है। रिगेल जो है ये तारे का नाम है, रिगेल ये ओरियन का सबसे चमकीला तारा है। आप इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो रख लें, चाहे तो आप लिख रहे हैं तो नोट्स में इसे बना लें। अगला है कैसियोपिया या शर्मिष्ठा। कैसियोपिया या शर्मिष्ठा, अब इसको भी जान लेते हैं। अब इसकी डायग्राम को देख लीजिएगा, क्या है कैसियोपिया या शर्मिष्ठा। कैसियोपिया या शर्मिष्ठा उत्तरी आकाश का एक नक्षत्र है, जिसे आसानी से पांच चमकीले तारों के समूह द्वारा पहचाना जा सकता है, जो थोड़ा अनियमित है लेकिन डब्लू के आकार जैसा है। देखिए अनियमित है लेकिन डब्लू के आकार जैसा, कितने, एक दो तीन चार पांच, वही कह रहा है यहाँ पे कि यह पांच चमकीले तारों का समूह द्वारा पहचाना जा सकता है, जो थोड़ा अनियमित डब्लू की तरफ दिखता है, प्रतीत होता है, जिसके बारे में कहा जाता है ये सिंहासन पर बैठी हुई रानी को दर्शाता है। ये क्या करता है, सिंहासन पर बैठी हुई क्या करता है, रानी को दर्शाता है। सेडर कैसियोपिया का सबसे चमकीला तारा है, जो सेडर है वह कैसियोपिया का सबसे चमकीला तारा है। ठीक, आगे चले हम, वीडियो को आप भी शेयर कर दीजिएगा, पैसे नहीं लगे, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। हाँ, डेली क्लास में बनेगा, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी तो पूरा इलेनी विद दुर्गेश के ऐप पर भी है और फेसबुक पे, यूट्यूब पर, सभी जगह है, मौका मिले तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब है सौर द्रव्यमान, अभी जानते हैं सौर द्रव्यमान क्या होता है। सौर द्रव्यमान खगोल विज्ञान में द्रव्यमान की एक मानक इकाई है। सौर द्रव्यमान की बात करें तो खगोल विज्ञान में द्रव्यमान की एक मानक इकाई है, जो लगभग 2×10^30 किलोग्राम के बराबर है, जो 2×10^30 किलोग्राम के बराबर है। स्थिर सफेद बौने तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव अधिकतम द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा के रूप में जाना जाता है। चंद्रशेखर सीमा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है। माने सफेद बौने तारे के सैद्धांतिक रूप से संभव अधिकतम द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है, रूप में जाना जाता है। चंद्रशेखर सीमा का मान लगभग 1.4 सौर द्रव्यमान, जिसे हम 2.765×10^3 किलोग्राम कहते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, यह आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। जी हाँ, कि चंद्रशेखर सीमा का मान क्या है, 1.4 सौर द्रव्यमान इसे कह सकते हैं, या 2.765×10^30 के ग्रह भी कह सकते हैं। ये दोनों है, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित जरूर रख लीजिएगा। हाँ, ये निःशुल्क क्लास है मेरे द्वारा, जब भी मुझे समय मिलता है हम आपके लिए सीरीज लेकर आते रहते हैं और डेली आपके लिए आएंगे। प्रचुर तत्व क्या मतलब, ये कह देंगे हाँ यार ये तो हम प्रचुर तत्व तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि यार प्रचुर तत्व है क्या। तो अगर प्रचुर तत्व की बात करें, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे बहुल तत्व है, यह ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान का लगभग 70% कवर करता है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे बहुल तत्व है और यह ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 70% है। ठीक है, ये लगभग 70% है। हीलियम
दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है, हीलियम जो है यह दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। यह ब्रह्मांड में लगभग 25% परमाणुओं के लिए जिम्मेदार है, माने 70% हाइड्रोजन और 25% हीलियम। ब्रह्मांड में ऑक्सीजन तीसरा प्रचुर तत्व है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन तीसरा क्या है? प्रचुर तत्व है। ठीक, हम और आगे चलते हैं आपके साथ। अब आता है टॉपिक सूर्य। तो जो सूर्य का टॉपिक है, हम इसे सूर्य के साथ अगले आप वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको पढ़ने में भी उतनी दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा टेलीग्राम पर, जो भी लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा, जितने भी साथी से देख रहे हैं, और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर भी आप जुड़िएगा, ताकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन और भी मिलती रहेगा। ऐप पर एनसीईआरटी की जो सभी नोट्स है वो भी आपको मिल जाएगी, हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है, और हमारी सेशन आप क्लास से देख पा रहे हैं। और इस तरह से इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं नोट संबंधित कोई जानकारी, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के, तो पेज को फॉलो करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। ये वीडियो जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं शेयर जरूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए और इसी तरह क्रमवार वीडियो लेकर आए। इस थोड़ा मैंने शॉर्ट में पढ़ाया है, और अगर आप चाहते हैं हम इसकी एक विस्तृत व्याख्या की सीरीज लेकर आए, तो आप भी हमारा सपोर्ट करिएगा। इस वीडियो को एक बार सीरीज को पूरा होने दीजिएगा, फिर हम इसके वैकल्पिक विषय के रूप में भी पढ़ेंगे। अभी हम इसे कोशिश ये कर रहे हैं कि सामान्य दिन की सीरीज में ही हम इस सेशन को पूरा पढ़ें, लेकिन अगर आपने साथ दिया, आपने सपोर्ट किया, तो हम इसकी सेशन को पूरा लेकर आएंगे। इस सेशन को एनसीईआरटी के साथ जोड़कर पढ़िएगा, आपकी जो सामान्य दिन की ज्योग्राफी का सेशन वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विश्व भूगोल पहले हम तो इसे पूरा खगोल विज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद तो फिर हम विश्व भूगोल की तरफ बढ़ेंगे, फिर इसके सभी महाद्वीपों को पढ़ेंगे। जो महाद्वीप का सेशन है वो मानचित्र के आधार पर पढ़ेंगे। वैसे ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई आपका व्यक्तिगत सवाल है, ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पे अपने सवाल पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा आप लोग कि सुपरनोवा का मतलब आप क्या समझते हैं। आज की वीडियो हमने बात किया है सुपरनोवा क्या है, तो उम्मीद करते हैं इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, और कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो आप भी पूछ सकते हैं। वैसे फिलहाल आप सभी का थैंक यू, वीडियो काफी बड़ा हो गया है, लगभग 47 मिनट की वीडियो जो हो गई है। इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, अगला सेशन जो होगा आपके लिए आगे हम कंटिन्यू करेंगे वो हम सूर्य के साथ करेंगे। फिर उस टॉपिक हमें सूर्य के बाद ये सूर्य पढ़ना रहेगा, फिर सूर्य के बाद हम पढ़ेंगे सूर्य परमाणु संलयन कैसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सूर्य की जो परतें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ये सूर्य की कौन कौन सी परतें होती है। देख रहे हैं पूरा डायग्राम है, पूरा डायग्राम से मतलब एक ही वीडियो में सूर्य को पढ़ेंगे, पूरा सन को पढ़ेंगे, ये कोरोना क्या होता है, और देख रहे हैं ना प्रकाश मंडल क्या होता है, एक एक पॉइंट वर्णमंडल क्या होता है, एक एक बिंदु को हम पूरा पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए आप धैर्य बनाए रखिए, संक्रमण क्षेत्र क्या होता है, सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कैसे होता है, और आपने देखा कि हमारा आदित्य L1 भी इसरो ने लॉन्च किया था, लॉन्च कर लिया था, और बहुत सारी जानकारी वहां से मिली है। तो इसी क्रम में लोग पढ़ेंगे, फिर हम बढ़ेंगे सौरमंडल की तरफ। तो एक छोटा सा टॉपिक है सूर्य, सूर्य पढ़ने के साथ साथ सौरमंडल की तरफ बढ़ेंगे। वैसे आप इस वीडियो को जितना लाइक शेयर करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, और मैं इसे अगली वीडियो के अगले पार्ट का इंतजार करके कॉमेंट करके बताइएगा कि आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं, कॉमेंट करके जल्दी बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।